फिजिकल क्वांटिटी एस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। मैंने क्या किया है, जो नीचे वाले उन्हें ऊपर लिख दिया है, लेकिन और अच्छा लिखना चाहिए भाई। अगर हमें यहाँ पे -1 लगा दें और यहाँ पे अंडर रूट की जगह -1/2 लिख दें, तब ये सही होगा। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करें, लॉग ले लेते हैं जो पहले कर रहे थे। लॉग एस लॉग ए स्क्वायर, हर स्टेप करके दिखा रहा हूं बच्चों मैं, लॉग बी क्यूब ठीक है, माइनस लॉग सी, या आपका अगर मन कर रहा है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, प्लस लॉग सी पावर -1 और प्लस लॉग डी की पावर -1/2। अब आप जानते हैं जो पावर होती है वो लॉग में बगल में आ जाती है, 2 log a 3 log b -1 × log c, तो 1 लिखने की क्या जरूरत है, -1/2 पावर है वो बगल में आ जा रही है, log d। अब तो ठीक है, अब जब हमें मैक्सिमम लेना है ना, लॉगेस को मैक्सिमम लेना है, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए फिर वो कर लेते हैं। तो अब इसके बाद तुरंत हम लोग ds/s लिख दें, 2 times log a की जगह a लिख दें, यहाँ पे ds/s जैसे है वैसे यहाँ पे da/a लिख दें, प्लस 3 db/b लिख दें, -c/dc/c लिख दें, -dd/d, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अब dd/d लिखने के चक्कर में हम मैं फिर वही वाला ऐसा वाला डेल्टा लगा दे रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही बात है, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम लेना है तो यहां से प्लस हो जाएंगे। अब इसका परसेंटेज लेना है ना, तो इसका मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, कहाँ गया लाल वाला, ठीक। ये टेढ़ा मेढ़ा ब्रैकेट × 100, तो ये भी × 100। अब × 100 इसमें पहले से ही दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं, इफ एरर्स इन मेजरमेंट आर 4%, तो यार 4% ये खुद ही इन्होंने दे रखा है ना, तो × 100 अगर आप लिखना भूल भी जाते हैं तो यहां पे आपकी कोई गलती नहीं होगी। अब बस यहां पे क्या इन्होंने बोला है, परसेंटेज एरर इन एस, परसेंटेज एरर इन एस, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 नहीं भूलना है, डेल्टा a/a कितना हुआ, a में गलती कितनी हुई है, 4%, बी में गलती कितनी हुई है, 2%, सी में गलती, यहां पे एक चीज रह गई है, देखो ये d/d तो है, 1/2 भी लेना था है ना, प्लस करके 1/2 भी लेना था, ये नहीं भूलना हमें। और फिर सी में कितनी गलती थी, 3%, और यहां पे डी में गलती कितनी थी, 1%, और ये 100 100 सब कुछ, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में लिख ही रहे हैं तो ये 100 इसमें शामिल हो चुका। मर्जी हो तो भाई परसेंटेज भी लिख दो, बहुत बार लिखना पड़ेगा, 3 × 2 और 3% और 1%, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8% प्लस 6% प्लस 3% प्लस 0.5%, और ये 8 6 14 3 17 17.5% ले भैया, आ गया आंसर। ये बोर्ड एग्जाम मतलब क्लास 11th एग्जाम में आने लायक है, यहाँ पे ज्यादा आपको कैलकुलेशन का टंटा नहीं था।